हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू आवर कुकिंग ब्लॉग। आज मैं काठियावाड़ी कढ़ी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। वैसे मैंने कई बार शेयर करी है, आज थोड़ा सा शॉर्टकट में मैं शेयर कर रही हूँ। तो काठियावाड़ी कढ़ी बनाने के लिए मैंने दही ले लिए थे 400 ग्राम, और उसमें पानी मिला के, मतलब जितना दही था उसका 3 गुना पानी मैंने मिलाया था और उसको अच्छे से फेंट दिया था। साथ में 1 कप बेसन मिला दिया था। काठियावाड़ी कढ़ी में कोई मसाले का यूज नहीं होता है, बहुत ही सिंपल होता है और बहुत ही अच्छे खाने में लगता है। तो उसको मैंने उबाल लिया था, और उबालने के बाद नमक और थोड़ा सा गुड़ डाल दिया था, क्योंकि खट्टा मीठा होता है काठियावाड़ी कढ़ी। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बेसन का बैटर बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने ले लिया बेसन, स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है। साथ में यहाँ पे 1 पिंच में डाल रही हूँ वो सोडा, क्योंकि पकौड़े हमारे फ्लफी बनेंगे और जालीदार, बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। और 1 पिंच भर मैंने यहाँ पे डाल दिया है हल्दी, बहुत ज़्यादा नहीं डाला है, और इसका एक बैटर बना के तैयार कर लेंगे। तो ये मेरा दोपहर का लंच होने वाला है, काठियावाड़ी कढ़ी। वैसे काठियावाड़ी कढ़ी और खिचड़ी के साथ इसको सर्व किया जाता है, लेकिन हम हैं झारखंड के लोग तो हम इसे चावल के साथ खाने वाले हैं, और इसीलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बैटर बना रही बेसन के, और इसे मैं पकोड़े बनाऊंगी और कढ़ी में डालूंगी। तो ट्रेडिशनली जो होता है काठियावाड़ी कढ़ी में, कोई पकोड़े नहीं पड़ते हैं, ये सिर्फ इसको दही के साथ, मतलब बेसन को दही के साथ कढ़ाया जाता है और एक सिंपल सा तड़का लगता है जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। तो आप देख पा रहे होंगे मेरी कढ़ी कढ़ चुकी है, और मैंने सिम कर दिया है आँच को, और इधर मैं पकोड़े तल रही हूँ, और पकोड़े बहुत ही बढ़िया बन के तैयार हो रहे हैं। तो छोटे छोटे पकोड़े मैंने यहाँ पे तले हैं, बहुत ज़्यादा पकोड़े, सिंपल से पकोड़े हैं, इसमें मैंने कुछ भी नहीं मिलाया है। आप चाहे तो इसमें आलू प्याज जो खाते होंगे वो मिला सकते हैं, मैंने यहाँ पे कुछ नहीं मिलाया है। और ये सिंपल कढ़ी होती है, एक बार ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अमेजिंग बन के तैयार होती है। जितना सिंपल होता है काठियावाड़ी कढ़ी उतना ही टेस्टी भी होता है। तो मैं यहाँ पे एक एक करके पकोड़े को निकाल रही हूँ, और कढ़ी हमारी कट चुकी थी तो मैं यहाँ पे तड़का लगा रही हूँ कढ़ी में। तो कढ़ी में तड़का लगाने के लिए सबसे पहले मैंने एक तड़का पैन रख दिया है चूल्हे पे, और यहाँ पे आप घी डाल सकते हैं, थोड़ा सा घी से बहुत ही बढ़िया लगता है काठियावाड़ी का जो तड़का होता है। तो मैंने यहाँ पे सरसों का तेल डाल दिया था। तेल डालने के बाद जीरा, राई, मेथी का दाना, धनिया, सूखी लाल मिर्च, इन सभी को एक साथ मैंने डाल दिया था। मेथी का दाना मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि मेथी का दाना कढ़ी में जो तड़का लगता है बहुत ही टेस्टी लगता है। थोड़ा सा यहाँ पे कढ़ी का पत्ता डाल दिया था, कढ़ी का पत्ता तो बिल्कुल डालें अगर होगा तो, बहुत ही टेस्टी लगता है काठियावाड़ी कढ़ी में। साथ में थोड़ा सा हींग डाल दिया था, और इनको अच्छे से जल जाने के बाद मैं यहाँ पे कढ़ी में इसको तड़का लगा दूंगी। फ्रेंड्स, एक बार ट्राई करके देखिएगा, काठियावाड़ी कढ़ी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही सिंपल होता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। और जो मैंने तड़का लगाया ना, उसका तेल पूरे कैमरे के सामने उड़ रहा है, आप देख पा रहे होंगे। तो इस तरीके से मेरी ये काठियावाड़ी कढ़ी बनके तैयार हो चुकी है। साथ में यहाँ पे मैं डाल दूंगी इसमें जो पकोड़े बना के रखे थे। मैंने पहले बताया ट्रेडिशनली इसमें पकोड़े नहीं पड़ते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा डाल दिया है। तो मैं यहाँ पे धनिया की चटनी भी बना रही हूँ साथ में। तो धनिया की चटनी बनाने के लिए मैंने फ्रेश पत्ते लिए थे, जो मेरे खुद के गमले से तोड़े हुए धनिया के पत्ते हैं। तो धनिया के पत्ते की चटनी बहुत ही टेस्टी होता है, आप तो इसे मिक्सी में भी पीस सकते हैं, लेकिन सिलबट्टे की बात ही कुछ और होती है। तो यहाँ पर मैंने सिलबट्टे का इस्तेमाल किया है चटनी को बनाने के लिए, और यहाँ धनिया के पत्ते रख दिया था। और आप अगर पहले नमक डाल देंगे तो धनिया का पत्ता ना बहुत ही जल्दी पीस के हो जाता है, मतलब नमक डाल देने से। तो यहाँ पर मैंने 3-4 टमाटर पका लिए थे, ये देसी टमाटर है और ये बहुत ही जूसी होते हैं और थोड़ा सा खट्टा होता है, तो इसकी चटनी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है खाने में, और सिलबट्टे पे पीसो तो क्या ही बात है। तो यहाँ पे मैंने नमक डाल दिया था, एक हरी मिर्च भी डाल दिया था, और ये हमारे धनिया की चटनी बनके तैयार हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा ये लंच का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगेगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मेरे कई फ्रेंड्स लोग हैं जो वीडियो देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो प्लीज़ आप लोग भी शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का मेरा ये लंच ब्लॉग था, काठियावाड़ी कढ़ी और धनिया की टमाटर की चटनी। सुबह को बने थे आलू और गोभी की सूखी सब्जी और फुलके, तो थोड़ी सी सब्जी बची थी, और आज ये हमारा
लंच बन के तैयार हो गया है। साथ में थोड़े से पालक के पकौड़े भी बने थे, उसकी वीडियो मैंने नहीं शेयर करी है, मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाई। और तो यहाँ पे मेरा ये थाली लग गया है आज का, ये काठियावाड़ी कढ़ी, चावल और आलू गोभी की सूखी सब्जी, पालक के पकौड़े और धनिया की चटनी। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में नई रेसिपी के साथ, तब तक लाइक इतना, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, टेक।